गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है हमारा आखिरी दिन उत्तराखंड के अंदर और आज मैंने अपनी नींद पूरी की है बिकॉज आज कहीं नहीं जाना था, आज सिर्फ घर के लिए निकलना है। आज मैं उठा हूँ 9 बजे और अभी बज रहे हैं 9:30। अभी नाश्ता वगैरह किया है और अभी हम जाएंगे यहीं पे जंगल की तरफ। आगे थोड़ी सी आगे जंगल है, सो उस जंगल को एक्सप्लोर करते हैं। हम आ चुके हैं यहाँ पे जंगल के बीच, हम जा रहे हैं ढेला गाँव में और हमारे इस तरफ भी और हमारे दूसरी तरफ दोनों तरफ घना जंगल है। इस समय यही रास्ता है जो जिम कॉर्बेट पार्क की जंगल सफारी की तरफ आगे जाता है। सफारी तो ओपन नहीं है तो हम अपनी पर्सनल गाड़ी लेके ढेला गांव तक जाएंगे जहाँ से सफारी का मेन पॉइंट है, तो हम वहीं तक हमारी गाड़ी इस समय अलाउड है। सो आप एक बार रास्ता देखिए, बीच में एक छोटा सा रोड है और दोनों तरफ इस तरफ भी मेरे लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी दोनों तरफ घना जंगल है और इस जंगल में हिरन हाथी और रात के समय तो बाघ तक इसी रोड पर घूमते हैं और बीच बीच में ये पुलिया बनी हुई है, ये जैसे पुल होते हैं और यहाँ से नदी आती है। कॉर्बेट के अंदर जो नदी है मेन, वो नदी यहाँ से आती है और कई बार इस नदी के किनारे भी कई जानवर दिख जाते हैं पानी की तलाश में, कई जानवर यहाँ पर दिख जाते हैं। आप देखिए ये रही वो नदी। गाइज अभी हम जंगल के बीचों बीच थे और देखो यहाँ पे जो मेरी फिंगर है इन दो पेड़ों की टहनी के बीच से आप वो हिरन देख पा रहे हैं। यहाँ पे वो हिरन है अभी ये इन दो टहनियों के बीच से, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए वो मूवमेंट हो रही, देखो ये यहाँ पे हिरन है। अभी हम जंगल के बिल्कुल बीचों बीच हैं, पे वो है पूरा हिरन का झुंड जो मैंने आपको अभी दिखाया। और ये हिरन जैसे कैमरे में बिल्कुल छोटे दिख रहे हैं पर ये हिरन बहुत बड़े हैं साइज़ में, और इनके सींग की अगर मैं बात करूँ सो मेरे हाथ से भी लंबे एक हिरन के सींग है, इतने बड़े बड़े सींग हैं इनके। कैमरे में बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा ये बिकॉज हर जगह पेड़ ही पेड़ है, पेड़ों के बिल्कुल बीचों बीच ये अपना खाना खा रहे हैं। ये कौन सा ढेला गाँव है? जिम कॉर्बेट ढेला नाम लगा। ओके तो अभी जैसे कोरोना का क्या इफेक्ट पड़ा है यहाँ पे, टूरिस्ट वगैरह कम हो गए होंगे? हाँ बिल्कुल, टूरिस्ट तो बिल्कुल जीरो हो चुका है, कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि आज 8 या 9 महीने करीब हो चुके हैं, कुछ भी कोई कॉर्बेट में घूमने के लिए आ ही नहीं रहा। ठीक है तो अभी जैसे टूरिस्ट वगैरह कम हुए हैं उससे जंगली जानवर तो और थोड़े से बाहर आए होंगे क्योंकि लोग कम जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्य है। आज अब तो ये खेतों पर बिल्कुल रात में नुकसान कर रहे हैं हाथी वगैरह। हाँ रात में हाथी रहते हैं आजकल। ठीक है तो फसलों को भी नुकसान पहुंचा है, नुकसान ज्यादा पहले से काफी फर्क है। हाँ। और अभी हम आए हिरन वगैरह तो दिखेंगे। हाँ, काफी ये चीज तो आम बात है, ये तो आपको चलते रास्ते पे भी मिल जाएंगे और जहाँ आतंक ज्यादा है। ठीक है यहाँ पे एक और रिजोर्ट है ना अंदर, उस रिजोर्ट में हम रुके हुए तो वो कह रहे हैं रात को बाघ भी आ जाता है यहीं पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई गलत बात नहीं है। और तो जैसे यहाँ पे आम वो है मवेशी वगैरह उनको भी मार के चले जाते हैं, गाय वगैरह। जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है तो आगे गांव में है मिलेंगे आगे गांव में? ठीक है सर, अब ये तो ढेला लास्ट गांव है कॉर्बेट का। हाँ इससे आगे को ये कॉर्बेट है। ठीक तो है तो यहीं से जाना होता जी आपका जिन्ना जोन और ढेला जोन। ठीक है तो कॉर्बेट में गाड़ी अलाउड है हमारी? हाँ इस समय गाड़ी अलाउड है। वहाँ कुछ लोग बैठे थे ढेला गांव के, उनसे बातचीत करी और उन्होंने बताया कि जिम कॉर्बेट में तो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, ऑलमोस्ट एक दिन लंबा प्रोसेस है और उसमें आप अभी इस समय कोविड करके अपनी खुद की गाड़ी भी लेके जा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने उनसे बात की कैसे जंगली जानवरों का क्या प्रभाव है, यहाँ के जंगल का उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, सो उन्होंने सारा बताया कैसे क्या है। और नीचे ढेला गाँव है वहाँ तक जाके देखते हैं कैसा है वो गाँव, कितना बड़ा गाँव है। यहाँ पहाड़ी क्षेत्र में ज़्यादातर 2-3 कस्बे से भी छोटा एक गांव होता है, मतलब बिल्कुल 10 से 12 घर मैक्सिमम होते हैं उस गांव के अंदर। तो यहाँ पे आप घर देख पा रहे हैं कितने पुराने घर हैं, बिल्कुल मिट्टी के बने हुए घर हैं। और ये रास्ता सीधा जा रहा है ढेला गांव में जैसा कि बताया। और ये यहाँ पे कार्यालय है, यहाँ का वन क्षेत्र का कार्यालय है यहाँ पर, और ये रास्ता जा रहा है ढेला गाँव। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं ढेला गांव के एंड में, बिल्कुल ढेला गांव यहां पे ख़त्म हो जाता है। और इस यहां पर इतना बड़ा मैं यहां से पूछा तकरीबन 10 किलोमीटर में फैला हुआ है, यहां पर है ये बाग आम के पेड़ों का और हर तरफ यहां पे जो छाया है यहां पे चारों तरफ आम के पेड़ है। देखो आप देखिए वहाँ तक आगे तक ये बाग ही बाग है वहाँ तक।
और अगर मैं बात करूँ यहाँ की आम के पेड़ों की छाया की, तो बहुत ही ठंडी हवा है। मैं आपको एक बार चारों तरफ पहले दिखा देता हूँ, तो देख पा रहे हैं आप यहाँ पर पेड़ों की कैसे आर्क बनी हुई हैं दोनों तरफ से आम के पेड़ आकर, कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है। और ऐसे ही इस तरफ भी है, चारों तरफ जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, चारों तरफ आम के पेड़ हैं और ये पेड़ बेहद पुराने हैं। आप देख पा रहे हैं, देखिए इनकी इनका तना भी कैसा हो रखा है, इनके तने पर भी फूस लगी हुई है। सो उससे पता चल रहा है कि कितने पुराने हैं ये पेड़। और ये है पूरा आम का बाग, एंड तक वहाँ तक आम का बाग है, चारों तरफ जहाँ पर भी नज़रें घुमाइए ये सारे आम के पेड़ हैं। यहाँ हमारे रिसोर्ट के आसपास तो देखने के लिए साइट सीइंग, लोकल साइट सीइंग करने के लिए यही जगहें हैं। और ये गांव, इस गांव से आगे मेन जिम कॉर्बेट शुरू हो जाता है। जैसे दो रास्ते थे, एक रास्ता हम यहां गांव में आ गए और एक रास्ता उस तरफ सीधा जिम कॉर्बेट के। सो ये गांव एंड में है। और यहां के गांव के, अगर गांव के लोगों की अगर मैं रोज़गार की बात करूं, सो यहां के गांव के ज़्यादातर लोग जीप चलाते हैं, जंगल सफारी वाली। ये एक काफ़ी अच्छे से गाँव बसा रखा है, काफ़ी सारे पुराने घर भी हैं इस गाँव में, तो बेहद अच्छा है ये गांव, बहुत अच्छा है ये गांव इनफैक्ट। तो ढेला गांव ख़त्म हो चुका है और ढेला गांव से ये एक रास्ता आ रहा था और इस रास्ते से हम बिल्कुल जंगल के बीचों बीच आ चुके हैं। देखिए हमारे दोनों तरफ घना जंगल है, इस तरफ भी और उस तरफ भी। और एक फेंसिंग का गेट बना हुआ था जिसमें बिजली की तारें थी, ताकि वो गेट क्रॉस किया हमने, वो गेट खुला हुआ था। सो हमें लगा आगे से रास्ता है, 6 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं इसके, अभी तक तो कोई रास्ता मिला नहीं है, तो बिल्कुल जंगल के बीचों बीच घूम रहे हैं अभी हम। उम्मीद करते हैं आगे रास्ता मिल जाएगा, अगर नहीं वापस गाड़ी ला के वहीं से निकलना पड़ेगा। तो आप ये मिट्टी का ढांचा देख पा रहे हैं, ये दीमक ने खा रखा है। ये भी पूरा पहले पूरा एक पेड़ था, अब इसका तना तना बच गया है और ये सारा पेड़, पूरा पेड़ दीमकों ने खा लिया है। ढेला गांव से वापस आ चुके थे 11:30 के आसपास, और वहां से आके मैंने एक पावर नैप लिया और अभी लंच कर जस्ट नहाने जाऊंगा, और नहाते ही इस रिजोर्ट से करेंगे चेकआउट, और चेकआउट करके हम जाएंगे एक यहां पे टेंपल है नदी के किनारे, उस टेंपल से सीधा जाएंगे घर की तरफ। तो रिजोर्ट से जाने से पहले मैं आपको दिखा दूँ रिजोर्ट, तो ये है यहां का बैडमिंटन कोर्ट और वहां पे पीछे है ट्रैम्पोलिन। एक सेकेंड मैं आपको पास से दिखा दूँ, ये है यहाँ पे ट्रैम्पोलिन बच्चों के लिए कूदने के लिए, एंड ये यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट है और वो है वहाँ पे किड्स एरिया, और किड्स एरिया के साथ में ये कुछ बच्चों के लिए खिलौने, और किड्स एरिया के साथ में है हमारी जिम, और जिम के बिल्कुल साथ है ये गेमिंग रूम, यहाँ पे इंडोर गेम्स लाइक चेस वगैरह खेल सकते हो, और यहाँ पे ये पूल बिलियर्ड्स की टेबल लगी हुई है। ये है रिजोर्ट के पूल्स, दो पूल है, एक ये वाला और एक उस तरफ, अभी तो दोनों खाली हैं कोविड को करके, बिकॉज पानी से ज़्यादा कॉन्टैक्ट होता है। एंड यहाँ पे सिटिंग एरिया है ये, और उस तरफ भी सिटिंग एरिया है, और जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं ये है यहाँ पे स्पा सेंटर। सो स्पा में यहाँ पे है ये रिसेप्शन, और रिसेप्शन से अंदर जाते ही यहाँ पे है हमारा सोना स्टीम एंड सोना पैराडाइज। सो यहाँ पे है सोना कंट्रोल यूनिट, इसमें आप टेम्परेचर करके स्टीम बाथ ले सकते हैं, अभी कोविड करके सब बंद है। और ये है हमारा मेन मसाज रूम। सो गाइज आप देख सकते हैं पीछे जैसे कि नेचुरल बैकग्राउंड के साथ, एसी के साथ यहाँ पे होती है आपकी मसाज, और ये है हॉट ऑयल ऑयल वगैरह के लिए। सो दिस इज मसाज रूम। और मैं इस तरफ बात करूँ, सो इस तरफ भी एक रूम है मसाज के लिए, सो टोटल दो मसाज रूम्स हैं। एंड हेयर इज द चेयर, ये चेयर भी थेरेपी के लिए है,
और यहाँ से बाहर पूल का नज़ारा। दिस वॉज द सिटिंग एरिया, यहाँ पे आप आराम से धूप सेक सकते हैं पूल के सामने। एंड यहाँ से हमारे कॉटेज का रास्ता है, ये हमारा फैमिली स्वीट कॉटेज। और सामने मैं आपको पार्क दिखा दूँ। सो दिस इज़ द मेन पार्क और वहाँ पे पीछे एक छोटा सा पॉन्ड बना हुआ है एंड देयर यहाँ पर और स्विंग्स लगी हुई हैं। सो दिस इज़ द मेन पार्क एंड दिस इज़ आवर कॉटेज, कॉटेज के बिल्कुल सामने। और यहाँ पे छोटे कॉटेजेस हैं एंड आगे चल के वहाँ पे टेंट्स वगैरह हैं। सो दिस वाज आवर रिजॉर्ट, काफ़ी अच्छा रिजॉर्ट है। मैं दोबारा बताता हूँ, एक और रिजॉर्ट, आप कभी भी यहाँ पे आओ सो डू विजिट दिस रिजॉर्ट, बेहद अच्छा रिजॉर्ट है। आप ऑनलाइन बुकिंग करवा के गुड टू गो। और अब वक्त आ गया है इस खूबसूरत जगह को गुड बाय कहने का। तो रिजॉर्ट से बाहर निकले ही थे और निकलते ही हमें हिरन दिख गया और अंदर लोग बता भी रहे थे कि यहाँ पे हिरन और लोमड़िया बिल्कुल आम बात है। और ये देखिए, ये हिरन भाग रहा है। सो यहाँ पे इस एरिया में शाम के टाइम पे हिरन और लोमड़िया बिल्कुल आम बात है इस एरिया में। फाइनली घर पर आ चुके हैं, चार दिन के बाद काफ़ी मिस किया अपने घर को। सो अभी आ चुके हैं हम घर पर वापस, काफ़ी ज़्यादा लंबी ड्राइव के बाद, ऑलमोस्ट 10:30 होने वाले हैं। सो गाइस, कहीं पर भी घुमाए, कितने भी अच्छे होटल में रुकाएं, एक बार घर पर आके ऐसा सुकून महसूस होता है। सो गाइस, वही सुकून मुझे अभी महसूस हो रहा है और नींद मुझे बुला रही है। सो गाइस, मुझे जाना होगा, इस व्लॉग को रखते हैं इतना ही। सो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।